पीरियड्स के वो 5 से 7 दिन हर लड़की और महिला के लिए काफी समस्या भरे होते हैं, लेकिन जरूरी है कि इन दिनों में आप ऐसा कोई काम ना करें जिनको करने से आपको आगे चलकर प्रेग्नेंट होने में दिक्कत हो। नमस्कार दोस्तों, मैं खुशबू तोमर एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आपका प्रेगनेंसी से रिलेटेड एक और नई वीडियो में, जहाँ पर आज का वीडियो एक बार फिर से उन महिलाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होने वाला है जिन्हें प्रेगनेंसी कंसीव करने में काफ़ी लंबे समय से दिक्कत आ रही है, वो प्रेगनेंट नहीं हो पा रही है। अगर आप नेचुरल तरीके से प्रेगनेंट होना चाहती हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूजफुल होने वाला है, क्योंकि फ्रेंड्स आज के वीडियो में आपको कुछ ऐसे कामों के बारे में बताने वाली हूँ जिन्हें अगर आप गलती से भी पीरियड्स के दौरान कर रही हैं तो फ्रेंड्स इन कामों की वजह से ही आपको प्रेगनेंसी कंसीव करने में दिक्कत आ रही है, आप माँ नहीं बन पा रही और आपके अंदर इनफर्टिलिटी बढ़ती जा रही है। इसीलिए फ्रेंड्स वीडियो को पूरा देखिए और इस वीडियो को देखने के बाद इसमें बताए गए जो काम है उनमें से अगर आप कर रही हैं तो उनमें सुधार करिए, इन कामों को करना बंद कर दीजिए जिससे कि आपको प्रेगनेंसी कंसीव करने में मदद मिल जाए। तो चलिए फ्रेंड्स बिना देरी किए हुए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए जी हाँ फ्रेंड्स, अक्सर मैंने देखा है, अपने आप में भी देखा है, अपने आसपास अपनी दीदियों में, अपनी भतीजी में, भाभी में, इन सब में मैंने देखा है कि जैसे ही हमारे पीरियड्स आने वाले होते हैं तो महिलाओं का जो स्वभाव है वो एकदम से चिड़चिड़ा हो जाता है। फूड क्रेविंग, मूड स्विंग होना, फूड क्रेविंग बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा चटपटा खाने का, स्पाइसी खाने का मन करता है, ऐसा लगता है कुछ फास्ट फूड खाते रहें, मूड स्विंग बार बार होता रहता है, कभी गुस्सा कभी हंसना, ऐसी चीज़ें हमारे साथ हर महीने पीरियड्स के दौरान होती रहती हैं। लेकिन फ्रेंड्स अगर आप पीरियड्स के दौरान आपको चटपटा स्पाइसी खाने का मन हो रहा है और इसके लिए आप बाहर से नमकीन बिस्किट या फिर जो भी पिज्ज़ा बर्गर है ऐसी चीज़ें बाहर से मंगा कर खा रही हैं तो इनका आपके पीरियड्स के दौरान सेवन करने से बहुत ही गहरा बुरा असर होता है और इनका लगातार सेवन करने से आपके अंदर इनफर्टिलिटी बढ़ जाती है, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं वो पीरियड्स के दौरान खाने से आपके अंदर काफ़ी हानि हो जाती है। तो चलिए जानते हैं कि इनके अलावा वो और कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनका सेवन आपको पीरियड्स के दौरान नहीं करना है। सबसे पहली बात, जो महिलाएं काफ़ी लंबे समय से प्रेगनेंसी प्लान कर रही हैं और कंसीव नहीं हो रहा है तो उन्हें ध्यान देना है कि उन्हें अपने खाने में हरी सब्जियों को ज़्यादा ऐड करना है। आपको हरी सब्जियां ज़्यादा खानी है क्योंकि इनमें विटामिन, प्रोटीन, कैल्शियम ये सारी चीज़ें भरपूर मात्रा में होती हैं और जब आपकी बॉडी में जरूरी पोषक तत्व तो पूरी तरह से होंगे तो आपको प्रेगनेंसी कंसीव करने में दिक्कत नहीं आएगी। इसके साथ ही आप याद रखें कि आपको अपनी डाइट में नमक और चीनी को कम कर देना है, तली भुनी मसालेदार बाहर का जो खाना है उसको खाना बंद कर देना है। दूसरी बात, पीरियड्स के दौरान काफ़ी सारी महिलाएं जिन्हें पेट में दर्द होता है तो उन्हें लगता है कि अगर वो ठंडी चीज़ें खाएंगी या फिर एकदम से गर्म चीज़ें खाएंगी तो उन्हें आराम मिल जाएगा। आप याद रखिए कि पीरियड्स के उन 5 से 7 दिनों में आपको फ्रिज में रखी कोई चीज़ नहीं खानी, ठंडा पानी नहीं पीना और अगर आपके पेट के आसपास दाएं या बाएं साइड में आपको कहीं भी दर्द हो रहा है तो आपको गुनगुना पानी भी नहीं पीना, क्योंकि काफ़ी सारे लोग हैं आपके आसपास रहने वाले जिन्हें अगर ऐसी कोई नॉलेज होती है तो आपको बता देते हैं कि अगर आपको दर्द हो रहा है तो आप गुनगुना पानी पीजिए। आपको पीरियड्स के दौरान दर्द होने पर यानी कि पेट में दर्द होने पर गुनगुना पानी भी नहीं पीना, क्योंकि ये भी आपके लिए काफ़ी हानिकारक हो सकता है। इसके साथ ही याद रखिए, काफ़ी सारे लोगों के एक मेंटेलिटी बन गई है कि अगर आपको थोड़ी बहुत भी दर्द हो रहा है, थोड़ी सी हरारत फील हो रही है तो आप चाय या कॉफ़ी का सेवन करेंगे तो आपको इससे आराम मिलेगा। जी हाँ, आराम मिल जाता है, लेकिन नॉर्मल डेज में अगर आपको पीरियड्स के दौरान सिर में दर्द हो रहा है, पेट में दर्द हो रहा है तो आपको चाय या कॉफ़ी का सेवन बहुत ही कम करना है या फिर बिल्कुल भी नहीं करना। तीसरी बात, प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रही महिलाओं को पीरियड्स के दौरान याद रखें खट्टी चीज़ें नहीं खानी, जैसे कि नींबू, संतरा, मौसमी, ऐसी चीज़ें आपको बिल्कुल भी नहीं खानी है, क्योंकि फ्रेंड्स इन चीज़ों को खाने से यानी कि पीरियड्स के दौरान खट्टी चीज़ें खाने से आपके पेट में जो क्रैम्प्स आ रहे हैं वो बढ़ सकती हैं। साथ ही आप याद रखिए कि आपको पीरियड्स के दौरान दही, रायता या फिर ऐसी कोई चीज़ जो कि डेयरी प्रोडक्ट से रिलेटेड है उन चीज़ों को सेवन नहीं करना है, क्योंकि अगर आप इन चीज़ों का सेवन उन 5 से 6 दिनों में करते हैं तो आपकी जो पाचन क्रिया है वो काफ़ी स्लो हो जाती है और आपको पेट में गैस, कब्ज, एसिडिटी, पेट फूलना, खट्टी डकारे आना ऐसी समस्या भी हो सकती है। चौथी बात, अगर आपको पीरियड्स के दौरान क्रेविंग हो रही है वो भी मीठा खाने की तो आपको मीठे में स्वीट्स
नहीं खानी, यानी कि मिठाई नहीं खानी है। इनकी जगह आप मीठे फल खा सकते हैं, जैसे कि केला, सेब, आम, अनार, इन चीज़ों को आप खा सकते हैं। लेकिन याद रखिए, पीरियड्स के दौरान आपको इन फलों को भी खाली पेट नहीं खाना है। इसके अलावा अगर आपको पीरियड्स के दौरान जैसे कि पेट में दर्द हो रहा है या फिर मूड स्विंग हो रहा है, तो आप डार्क चॉकलेट थोड़ी सी मात्रा में खा सकते हैं, क्योंकि इसका सेवन करने से क्या होता है कि आपका मूड थोड़ा अच्छा हो जाता है और आपके जो क्रैम्प्स हैं उनमें भी थोड़ा सा आराम मिल जाता है। पांचवी बात, पीरियड्स के दौरान अधिकांश, मैंने काफी सारी महिलाओं को देखा है, उनमें पेट में बहुत ज्यादा दर्द होता है, कमर में, पैरों में, सिर में बहुत तेज दर्द होता है जो कि असहनीय होता है, और इसके चलते वो क्या है कि कुछ 2 से 3 दिनों तक पेन किलर्स का इस्तेमाल करती हैं। अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है और आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं, तो आप याद रखिए कि आपको पीरियड्स के दौरान होने वाले दर्द के कम करने के लिए आपको पेन किलर्स का इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि ये जो पेन किलर्स होते हैं वो इतने खतरनाक होते हैं कि आगे चलकर आपको प्रेगनेंसी कंसीव करने में काफ़ी असुविधा पैदा करा सकती हैं। छठवीं बात, पीरियड्स के दौरान लंबे समय तक जब ब्लीडिंग होती है, तो इस दौरान क्या है, काफ़ी सारी महिलाओं को खुद से ही एक गंदी बदबू सी आने लग जाती है, जिसे इस बदबू को कम करने के लिए महिलाएं और लड़कियां मार्केट में अवेलेबल केमिकल युक्त परफ्यूम का इस्तेमाल करती हैं। फ्रेंड्स, आप अगर प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं तो आपको इस तरह की कोई गलती नहीं करनी है, क्योंकि ये जो परफ्यूम होते हैं वो इतने हानिकारक होते हैं, इनके अंदर इतने हानिकारक केमिकल्स होते हैं कि इनका इस्तेमाल करने से आपको यीस्ट इन्फेक्शन, फंगल इन्फेक्शन हो सकता है। अगर आपको बार बार वजाइनल इन्फेक्शन होता रहा तो आपको प्रेगनेंसी कंसीव करने में भी दिक्कत आ सकती है। सातवीं बात, पीरियड्स के दौरान जिन महिलाओं को आप फ्लो बहुत ज़्यादा आता है, यानी कि हैवी ब्लीडिंग होती है और जिसके उनके पेट में दर्द ज़्यादा रहता है, तो इस दौरान आपको पानी अच्छी मात्रा में पीना चाहिए, क्योंकि फ्रेंड्स जब आपकी बॉडी से ब्लड जा रहा है तो इससे क्या है, आपकी बॉडी डिहाइड्रेट हो सकती है। डिहाइड्रेशन होने पर आपको पैरों में दर्द, कमर में दर्द और भी ज़्यादा हो सकता है, इसीलिए कोशिश कीजिए कि पीरियड्स के दौरान आप भरपूर मात्रा में पानी पीजिए। आठवीं बात, पीरियड्स के दौरान महिलाओं को ज़्यादा से ज़्यादा आराम करना है, नींद लेनी है, क्योंकि अगर आप प्रॉपर मात्रा में आराम करती हैं और 8 से 10 घंटे की नींद लेती हैं, तो इससे पीरियड्स के दौरान होने वाली थकान और कमजोरी को भी कम किया जा सकता है। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि पीरियड्स के दौरान, यानी कि पीरियड्स का दूसरे दिन या तीसरे दिन, 2 से 3 दिनों के अंदर आपको अपने बाल नहीं धोने हैं, क्योंकि अगर आप 2 से 3 दिनों में अपने बाल यानी कि हेयर वॉश करते हैं, तो इससे क्या होता है कि आपके जो पीरियड्स का जो फ्लो है वो कम हो जाता है। और अगर आप हर बार ऐसा कर रही हैं कि पीरियड्स के पहले दिन, दूसरे दिन या तीसरे दिन अपना सिर धो लेती हैं, बाल धो लेती हैं, और जिससे आपकी जो पीरियड्स की ब्लीडिंग है वो कम हो जाती है, तो धीरे धीरे करके आपके अंदर कुछ समस्याएं बढ़ जाती हैं जो कि आपको प्रेगनेंसी कंसीव करने में काफ़ी रुकावट पैदा कर सकती हैं। इसीलिए फ्रेंड्स, अगर आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं तो आपको पीरियड्स के दौरान इन 9 बातों को जरूर फॉलो करना है, याद रखना है, और ये गलतियां नहीं करनी है। अगर इन चीज़ों में इम्प्रूव करने से आपको प्रेगनेंसी कंसीव करने में मदद मिलती है, तो फ्रेंड्स मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आपको पीरियड्स से रिलेटेड कोई समस्या है, प्रेगनेंसी कंसीव करने में कोई दिक्कत आ रही है, तो आप मुझे कमेंट में बता सकती हैं। अगर वीडियो देखने के बाद इन्फॉर्मेशन आपको अपने लिए यूजफुल लगती है, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स में शेयर करना ना भूलें। साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए टेक केयर।